आज हम आपको न्यूट्रिला से नई रेसिपी पनीर के तरीके से बनाना सिखाएंगे। प्लीज देखिए, अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। थोड़ी पिसी मिर्च, दो चम्मच अरारोट पाउडर, दो चम्मच मैदा, एक छोटी टीस्पून कस्टर्ड पाउडर, हाफ टीस्पून रायता मसाला, दो चम्मच फ्रेश क्रीम, इंच भर गरम मसाला। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं। हमने इसमें रिफाइंड डाला हुआ है, आप इतना रिफाइंड डाल लीजिएगा कि ये ठीक से फ्राई हो जाए। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन आप बहुत ठीक से ऐड कीजिएगा पानी, क्योंकि कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने से उनमें थोड़ा क्रिस्पी पन कम हो जाता है। इस तरीके से आप इसको ऐड कर लीजिए। आप इसमें रिफाइंड की जगह पर सरसों का तेल भी ले सकती हैं, लेकिन आपको उसको ठीक से पका करके इसका जो तेल की झड़प होती है उसको निकालना पड़ेगा, वरना तेल की स्मेल अजीब सी लगेगी। इसमें हो सके तो आप इसी में बनाइए, रिफाइंड में ही बनाइए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें किस तरीके से फ्राई करते हैं। अब गैस की फ्लेम धीमी करके धीरे धीरे उसमें डाल दीजिए। आप ज्यादा मात्रा में बनाते हैं तब आप क्या कीजिए, आप हाफ हाफ करके उनको फ्राई कर लीजिए, लेकिन हमारा अब अधिक क्वांटिटी में नहीं है, इसलिए हम एक ही बार में उसको हम इसको धीमी आंच में धीरे धीरे फ्राई करेंगे। अभी अब इसमें हम प्याज डालेंगे। अभी आप देख रहे हो हमने इसमें प्याज डाला हुआ है, कुछ बड़ा पीस प्याज का काटा हुआ है, कुछ छोटा काटा हुआ है। आप चाहे तो एक जैसा काट सकते हैं, आप चाहे तो दो तरीके से काट सकते हैं। हमने देखिए, आप इस तरीके से देखिए, आप न्यूट्रिला देख सकती हैं, हमने बना के तैयार कर लिया, इसको कढ़ाई से निकाल करके रख लिया। अब हम उसमें प्याज डाल दिए हैं। जब प्याज कुछ हल्का सा मुलायम हो जाए, ज्यादा नहीं, इसको फ्राई नहीं करना है,
आप देख रही हैं इसका कलर कितना ब्राउन हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। ये देखिए इस तरीके से, अब इसमें आप शिमला मिर्च डाल देंगे। चुटकी भर नमक डाल देंगे। दो मिनट के लिए इसको ढक देंगे। आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। आप बीच में इसकी जगह बना लीजिए, साइड में थोड़ा थोड़ा सब्जी को खिसका दीजिए, प्याज और शिमला मिर्च को खिसका दीजिए इस तरीके से। अब आप इसमें मसाला ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया, रेड चिली। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम अदरक लहसुन लाल मिर्च की चटनी मतलब बना के इसको इसमें ऐड करेंगे। अभी हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई है उसको डालेंगे। एक मिनट तक इसी को इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। आप इसको बना के देखिए, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। घर में आप ट्राई कीजिए। सब मैंने घरेलू रेमेडीज डाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके किचन में ना हो। हमारी रसोई में बस यही है कि आपको हर चीज घर में मिल जाएगी। कोई भी फास्ट मसाला, कोई भी चीजों का हमने उपयोग नहीं किया है इसमें। अब आप इसमें चुटकी भर गरम मसाला डालेंगे। एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून, 1/2 चम्मच आधा चम्मच अरारोट पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अरारोट से इसमें जो इसकी ग्रेवी है इसमें थोड़ा चिकनापन आ जाएगा, गाढ़ापन और चिकनापन भी आ जाएगा। और अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालते हैं। 4 चम्मच फ्रेश क्रीम होनी चाहिए। अभी आपको ये ग्रेवी काफी गाढ़ी लगती है तो आप इसमें जो है पानी ऐड कर सकते हैं, दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मलाई अच्छी क्वांटिटी में थी इसीलिए इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये ग्रेवी पहले से ही
तैयार होती जा रही है साथ में पकते पकते, इसलिए इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। इसका जो मसाला बचा हुआ था उसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये बने हुए जो हमने न्यूट्रेला भी फ्राई किए थे वो आप ऐड कर दीजिए। आप देख सकती हैं हमने इसमें ना ही तो ज्यादा रसा किया ना ही ज्यादा सूखा किया। आप इसी तरीके से इसको रखें तो खाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्यादा रसेदार सब्जी ये ठीक नहीं लगती है। अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, आप डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक नींबू या आधा नींबू, जैसा आपको खट्टा चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। कहते हैं ना मिर्च नींबू खट्टापन और नमक, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहिए सभी को। ये देखिए हमने बना के सब्जी तैयार कर ली है। वाशिंग लिए इसमें आप धनिया डाल दीजिए, आप देख सकते हैं आप जब खाएंगे तो इसका टेस्ट अलग ही होगा, बिल्कुल ये पनीर टेक्चर में बनी हुई है, आप खाइएगा। थैंक यू, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।